वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में लगभग पूरा विश्व शामिल हो गया है और लोग अपने अपने तरीकों से इस महामारी से बचने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। टीकमगढ़ में भारत स्काउट गाइड और कला मंच ने रोड पर चित्रकारी कर लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया। टीकमगढ़ में भारत स्काउट गाइड और कला मंच के संयुक्त प्रयास से शहर के विभिन्न चौराहों और रोड पर चित्रकारी कर आम जनमानस को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बुंदेलखंड कला मंच के चित्रकारों की चित्रकारी ने लोगों को बीमारी के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया है। कला मंच के द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तु भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी है, इसमें टीकमगढ़ नहीं मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश, यूं कहें कि पूरा विश्व से लड़ रहा है और काफ़ी एक घातक है। काफ़ी लोगों को इसमें अभी जिज्ञासा, मतलब उनको कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हमारे टीकमगढ़ के जो जो जुझारू जो हमारे चित्रकार हैं, उन्होंने हर चौराहे पर चित्रों के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि कोरोना कितना खतरनाक होता है और उसे हमें क्या चीज़ का पालन करना है और किससे हमको सतर्कता रखना है और हमें दूरी मेंटेन करना है, जैसे हाथ धोना है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें इनने चित्रों के माध्यम से अपने रोड़ों पर जो हाँ को घेरा है। कंसेप्ट इसलिए है कि ये जो वैश्विक बीमारी है कोरोना वायरस COVID-19, ये बहुत ही भयानक बीमारी है और लोगों में जो है इसके प्रति लापरवाही भी देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा, चूंकि हम लोग पेंटर कलाकार हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी कलाकारी के द्वारा जो है सड़कों पर लिख के लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को इस बारे में पता चले कि कोरोना जो महामारी है तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझे, स्लोगन भी हम लोगों ने लिखे हैं और चित्र भी बनाए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।